हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आंवला कैंडी बनाना बता रही हूँ। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से ड्राई है, बिल्कुल मार्केट जैसे। आइए हम आंवला की कैंडी बनाएंगे, जो हम साल भर तक इसे रख सकते हैं डिब्बे में भरकर और किसी भी तरह खा सकते हैं। आइए हम आंवला कैंडी के लिए, हमने यहाँ आधा किलो आंवला लिया है, इसको हम कुकर में डाल लेते हैं और एक ग्लास पानी डाल लेंगे। इसके साथ हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। एक ग्लास पानी डाल दिया हमने, इसमें हम दो सीटी दे देंगे। कुकर को हमने बंद करके गैस पर रख लिया है, हम इसमें दो सीटी देंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ठंडा होने देंगे। आंवला को हमने पानी से बाहर निकाल लिया है, ये देखिए ये काफी पक गए हैं। दो सीटी दी है हमने इसमें और नमक डाला है। एक कटोरी हम गुड़ लेंगे, गुड़ की क्वांटिटी यहाँ 300 ग्राम है, आधा किलो आंवला है। ये जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम खड़े मसाले जो हमें चाहिए इसमें डालने के लिए वो हम रोस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ एक पैन लिया है, पैन में हम काली मिर्ची लेंगे एक छोटी चम्मच भर के, एक चम्मच हम सौंफ लेंगे, एक चम्मच अजवाइन और दालचीनी का टुकड़ा, इन चारों को हम रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट हो गए हैं, हम इन्हें ठंडा करके पीस लेते हैं। आंवला ठंडा हो गया है हमारा, इसके हम बीज निकाल देते हैं। ये जो सीड है हम इनको अलग कर लेते हैं निकाल के। आंवला के सीड हमने निकाल लिए हैं, इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हमने पानी नहीं डालना है। ये देखिए आंवला को हमने पीस लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई ली है, इसमें हम जो आंवले का पेस्ट है उसको डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे। थोड़ी देर हम इसे चलाते हुए सेक लेंगे, जब तक कि इसका जो पानी रहता है मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। हम इसी तरह से चलाते हुए इसे सेकते रहेंगे। आंवला को चलाते हुए हमें यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, ये काफी हद तक पानी इसने सोख लिया है। अब हम इसमें जो हमने गुड़ लिया है 300 ग्राम वो डाल देंगे और अच्छे से मिलाते हुए मेल्ट करेंगे। इसमें एक भी दही नहीं रहनी चाहिए गुड़ की, लो फ्लेम पर ही हमें ये प्रोसेस करना है। ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, हमें इसे पकाते हुए 12 से 13 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे अजवाइन, जो हमने रोस्ट की थी, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्ची और दालचीनी, सबको हमने पीस लिया था, ये डाल देंगे हम। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है, अजवाइन भी, सौंफ भी और दालचीनी भी। इसी तरह से अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भरकर हम जीरा पाउडर डालेंगे, रोस्ट किया हुआ है, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे, काला नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे इसमें। मैं यहाँ 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने अच्छे से मिला लिया, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। एक चौथाई चम्मच हम हींग डालेंगे, हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा हम एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डालेंगे, उसे अच्छे से मिला लेंगे। हम यहाँ मसाले को अच्छे से मिला लिया है। मसाले को मिलाते हुए हमें यहाँ 5 मिनट हो गए हैं, ये काफी अच्छे से मिल गया है। अगर आपको थोड़ा और मीठा डालना हो तो गुड़ थोड़ा फालतू डाल दें आप। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। हमने पेस्ट को प्लेट में निकाल लिया है, इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ठंडा होने देंगे। हमारा पेस्ट ठंडा हो गया है, हम इसके गोले बना लेते हैं छोटे छोटे। ये देखिए इसको हम यहाँ पीसी हुई चीनी ली है मैंने, यहाँ पाउडर शुगर लिया है,
इसमें हम लपेट लेंगे इसी तरह से। सारे गोले रेडी कर लेंगे हम बना के। ये देखिए हमने सभी आंवला कैंडी को बोल बना लिया था। उसके बाद हम किसी एक बर्तन में थोड़ी पाउडर शुगर लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, व्हाइट वाला नमक डालेंगे थोड़ा सा, और सभी आंवला कैंडी को हम उसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम मिला देंगे। शुगर पाउडर डाला है मैंने इसमें, ये चिपकेगी नहीं और ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, एक दूसरे के साथ चिपकेगी भी नहीं। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। ये देखिए इसे आप इसी तरह से बनाएं और कई दिनों तक खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू रेसिपीज के लिए। धन्यवाद।